वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम रश्मि। वी आर डूइंग वर्कशीट नंबर 35 फॉर 10th क्लास। तो बच्चों, पिछले बार भी मैंने आपको ये वर्कशीट करवाई थी। नेल्सन मंडेला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मोटिवेटिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली बार भी मैंने एक पैसेज पढ़ा था, कोई बात नहीं, हम दोबारा कर देते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। थ्री सेंचुरीज जो है, देखिए कितना बड़ा टाइम होता है उसके। जो है वहां पर व्हाइट रूल था, बिल्कुल ही जो है गोरे लोग थे, उनका शासन था। और उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला पहले साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी 1252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। बहुत बड़ी बात, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में उन्होंने 252 जो है 400 में से सीट्स ली। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनाइटेड बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। ये आपको पिछली बार मैंने बताया भी था, प्रिटोरिया में जो है सेरेमनी, इनॉग्रेशन की सेरेमनी हुई और अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियन डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इतने इतने लोग आए, देखिए 140 कंट्रीज से भी ज्यादा देशों के पॉलिटिशियन थे, बड़े बड़े नेता थे। नेवर अगेन will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Nelson Mandela ने अपने स्पीच में जो है उन्होंने ये कहा कि अब ये संसार, अब ये सुंदर लैंड कभी भी एक दूसरे के द्वारा oppression, मैंने दबाना, अन्याय कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। Jubilant scenes of on the streets of Pretoria followed the ceremony with black, white, coloured celebrating together. सभी इकट्ठे मना रहे थे। More than 1 lakh South African men, women, children of all races, सभी जातियों के लोग 1 लाख से भी ज्यादा sang, danced with joy. सभी बहुत ही जो है joy से, खुशी से जो है celebration मना रहे थे। कौन सी celebration थी? कि black लोगों ने गोरे लोगों पर जो है विजय प्राप्त की थी, ऑपरेशन पर विजय हुई थी न्याय की। अब चलिए, अब मैं आपको ये पहला इसका जो है स्टार्ट करती हूँ। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेलम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी की ये स्पीच चल रही है जो उन्होंने इनॉग्रेशन पर दिया था, कि मैं बिल्कुल ही जो है हिस्ट्री को देखकर एकदम से भाव विभोर हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज एंड क्रिएटेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। जो व्हाइट स्किन के जो लोग थे उन्होंने जो है क्या कर रखा था, एक बेटा एक इतना डिफरेंस क्रिएट कर रखा था, और जो काले लोग थे, जो डार्क स्किन लोग थे, उन्होंने उनको अपने डोमिनेशन में, अपने जो है दबाव में रखा हुआ था, उनके ऊपर अपना रौब जमाते थे, उनके डोमिनेट करते थे। The structure they created formed the basis of one of the hardest, more inhuman society the world has ever known. और उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो कि इतना जो है बिल्कुल ही हार्ड था, बहुत ही क्रूर था, इनह्यूमन था, जो कि संसार ने ऐसा दृश्य कभी भी नहीं देखा होगा, बिल्कुल ही अमानवीय। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, और 20th century के लास्ट डिकेड में, माई 8th decade एज ए मैन, द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर। ये जो सिस्टम था, जब व्हाइट लोग ब्लैक पर को डोमिनेट कर रहे थे, मेरे इस जो लास्ट जो मेरा जो ये डिकेड जो आया उसमें ये सिस्टम पूरी तरह से ओवरटर्न हो गया, बिल्कुल ही पलट गया। रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकोगनाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। और किससे रिप्लेस हुआ, किससे रिप्लेस हुआ बच्चों? उसकी जो है लोगों के राइट और फ्रीडम को अब रिकॉग्नाइज किया गया, उनको पहचाना गया।
रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। उनके कलर को बिल्कुल भी जो है तवज्जो नहीं दी गई, उनके किसी के भी स्किन कलर को नहीं देखा गया, उसके बावजूद चाहे काले हो चाहे सफेद हो उनको जो है रिकॉग्नाइज किया गया। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, पीपल हूज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। ये ऐसे ही नहीं आ गया बच्चों, ये जो इतना जो है रिकॉग्निशन मिला ये इतने लोगों के बलिदानों से, थाउजेंड्स पीपल के बलिदानों से, और पीपल और जिन्होंने की उस बलिदान को कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते, हम उसको बच्चों रीपे नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना ज्यादा उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए लोगों के राइट्स के लिए और आजादी के लिए। तो ये पहला पहला आपको मैं सोचती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको आ गया होगा। बेटा बार बार पढ़ना तभी समझ में आएगा। पैरा नंबर टू, द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अपार्थेड वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, रंग भेदभाव की नीति, ये काला है ये गोरा है, इसने जो है मेरे दिल पर एक बहुत गहरा और देर तक रहने वाला घाव कर दिया था, मेरे देश पर, मेरे देश के लोगों पर, सब लोग त्राही त्राही कर उठे थे इस अपार्थेड पॉलिसी से। All of us will spend many years, if not generation, recovering from the profound hurt. और बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों लोगों को इस डीप प्रोफाउंड हर्ट जो उनको पर जो अटैक हुआ है इस apartheid का, उससे उभरने में बहुत समय लगेगा। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. और इस oppression का, oppression मैंने दबाना और क्रूरता बर्बरता, इसका भी बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट रहेगा। And that was a product, और that it produced the Oliver Tambo, Walter Sisulu, the Chief Lethuls, the Yusuf Dadus, the Benjamin Fishers, the Roberts of course of our time, of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. और इन लोगों के जो struggle time दिया गया है, इसकी वजह से जो है सभी जान जाएंगे कि कितना उन्होंने संघर्ष किया था, कितना अब उनको जो है इस बात से उभरने में कितना टाइम लगेगा। Perhaps it requires such depth of oppression to create such height of character. और पर इतनी जो है जो ये इतना ऑपरेशन हुआ, जितना उनको दबाया गया और इसको जो है इस चीज को जो है इन लोगों जो इतने बड़े बड़े, अभी मैंने आपके सामने नाम पढ़े हैं, चीफ लुथुलीज, यूसुफ, ये तभी इतने करैक्टर पैदा हुए बच्चों। जब अत्याचार होता है उसके बाद ही बड़े बड़े जो है नेता, इनका जन्म होता है और ये लोगों के लिए उठकर आगे आते हैं। सो माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मैं जानता हूँ साउथ अफ्रीका की जो मेरी धरती है, मिनरल्स में हीरे जवाहरात जो उसके धरती के नीचे छिपे हुए हैं, लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मुझे हमेशा पता चला है बच्चों जो असली संपत्ति है वो लोग होते हैं, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। वाह क्या बढ़िया बात कही है, जो कि डायमंड से भी ज्यादा प्योर होते हैं। तो बच्चों डायमंड क्या है? पीपल। आई हैव सीन, थर्ड स्टैंजे पे मैं आ चुकी हूँ, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड द रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और मैंने बहुत से जो लोगों को देखा है अटैक और टॉर्चर जो उन्होंने सहे हैं। आई लर्न द करेज वॉज नॉट द एबसेंस ऑफ फियर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है कि मैंने ये देखा है, करेज का मतलब ये नहीं है कि फियर ना हो, नहीं, बट द ट्रायंफ ओवर इट, बल्कि इसके ऊपर विजय पाना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। एक बहादुर वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि हु कॉन्कर्स द फियर, जो डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। नो मैन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी आदमी ये नहीं एक दूसरे को नफरत पैदा करते हुए जो है पैदा होता है, और इसलिए क्योंकि इसकी स्किन का कलर काला है या इसका धर्म है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। यदि लोग हेट करना सीखते हैं तो इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो हेट करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव।
तो वो हमको प्यार करना भी सिखा सकते हैं, सही बात है या नहीं? सो फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि लव करना ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक नेचुरल है जो कि आ जाता है। मैन गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन, मैन की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम की भांति है जिसको हम छिपाया जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन इसको हम कभी भी बुझा नहीं सकते। तो देखिए बच्चों कितना अच्छा जो है आपका चैप्टर है। आइए अब हम इस क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, और ये वैसे मैंने आपको समझाया इतना है कि आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड आफ्टर द एंग्लो बोर वार, तो क्या हुआ था उसके बाद। After Anglo Boer War, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and created a system of racial domination against the dark. वही बात आ गई, जो लोगों को पैचअप करना आ गया और वो जो है डार्क के खिलाफ, अगेंस्ट द डार्क के खिलाफ वो खड़े हो रहे थे अपनी ही धरती में, वो जो है बहुत ज्यादा उन्होंने जो है डिफरेंसेस क्रिएट कर रखे थे। क्वेश्चन नंबर टू, ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेला न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड, किस स्ट्रक्चर पर जो है उनकी न्यू गवर्नमेंट आई। द न्यू गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड एज द रिकॉग्निशन ऑफ राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल, यह जो है राइट और फ्रीडम से इसकी पहचान हुई, ऑफ द पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, भले ही उनका कलर किसी भी उसका हो, काले हो या गोरे हो, उनको पहचान मिली मंडेला की न्यू गवर्नमेंट को इंस्पाइट ऑफ देयर कलर एंड कास्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, वट इज द मीनिंग ऑफ द फेज टू पैच अप द डिफरेंसिस, बेटा बहुत अच्छे से समझाया था आपको, टू पैच अप द डिफरेंसिस मीन्स टू बिकम फ्रेंड्स, सारे डिफरेंसिस को पैचअप कर दो, हटा दो और फ्रेंड्स बन जाओ विद समवन अगेन आफ्टर अ डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट के बाद, लड़ाई के बाद पैचअप करना। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ एपार्थिड क्रिएट, द पॉलिसी ऑफ एपार्थिड रंग भेदभाव की नीति क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन साउथ अफ्रीका एंड इट्स पीपल, इस पॉलिसी ने लोगों के दिल में एक बहुत ही गहरे जख्म पैदा कर दिए थे। अकॉर्डिंग टू मंडेला, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सो अकॉर्डिंग टू मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लोग ही उसकी असली वेल्थ हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव, ही डिफाइन्स द ब्रेव एज द मैन हु कॉन्कर्स द फियर, असली बहादुर वो है जो डर के ऊपर विजय प्राप्त करता है, उसको जीतता है, डर में कूद जाता है। एंड नाउ कम अवर सेवन, दैट इज द फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट, अब इसमें से हमको एक वर्ड छांटना है, सबमर्ज्ड, सबमर्ज, तो बच्चों ये ओवरवेल्म आएगा उसी के अंदर, सबमर्ज होना ओवरवेल्म, विक्ट्री जीतना तो ट्रायम्फ आएगा, डीप एंड स्ट्रॉन्ग प्रोफाउंड आएगा, लार्ज हार्टेडनेस ये क्या आएगा बेटा, जेनरोसिटी, जेनरोसिटी बिल्कुल उदारता सहृदयता, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, इट इज कॉल्ड रेजिलियंस लचीलापन। नाउ स्टूडेंट्स कैलिब्रेशन एक्टिविटी, तो बेटा ये उन्होंने बताया है कि आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे कि रियल लाइफ हीरो जो आपके फिल्मी हीरो हीरोइन होते हैं और रियल लाइफ जो हमारे ये है, असली हीरो हमारे हैं नेल्सन मंडेला जी, तो क्या हम उनको कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, तो बच्चों ये आप इस चैप्टर के बेसिस पर अपने आप लिखना है ना। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, और बच्चों यदि आपको अच्छा लगा होगा तो बच्चों इसको आप लाइक जरूर कीजिएगा और बच्चों सब्सक्राइब भी करना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो थैंक्स अ लॉट बच्चों, पढ़ लीजिएगा, थैंक यू।